आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। चारधाम यात्रा 2023 का हो गया आगाज। माँ गंगा यमुना के खुल गए कपाट, तीर्थ यात्रियों पर हुई फूलों की बरसात। जी हाँ, हर हर गंगे और जय माँ यमुना के उद्घोष के साथ आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और इसी के साथ आज से चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ भी हो गया। अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, तो आप ग्रीष्मकाल के लिए यहाँ तीर्थयात्री माँ गंगा और माँ यमुना के दर्शन कर पाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:35 पर जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट 12:41 पर विधि विधान के साथ खोले गए। माँ गंगा की भोग मूर्ति और छड़ी गंगोत्री धाम में विराजमान कर दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मौके पर धाम पहुंचे और गंगा पूजन किया। पूजा अर्चना के बाद विधिवत रूप से सीएम की मौजूदगी में मां गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। इसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, साथ ही इस मौके पर यहां आए तीर्थयात्रियों का सरकार ने भव्य स्वागत किया और तीर्थयात्रियों पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और अब इंतजार है 25 अप्रैल का, वो दिन जब बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और इसके बाद 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा पूरी रफ्तार के साथ शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।